हमें बोलना है आपके फ्रेंड बताएं Every day, countless devotees from around the world flock to Puri to seek the blessings of Lord Jagannath and his divine siblings, Lord Balabhadra and Goddess Subhadra, at the revered Puri Shri Mandir. During the COVID pandemic, the temple doors were closed. Later, only the Singhadwara was reopened for devotees. Rest of the three doors of the temple remained shut. This led to a significant influx of visitors and long queues in front of the Singhadwara at the Puri Shri Mandir. Consequently, devotees began demanding that all the gates be opened to allow for a smoother and more efficient darshan of the Holy Trinity. In another development, addressing a presser, Chief Minister Mohan Charan Majhi shared an exciting news stating that in yesterday's cabinet meeting, it was proposed to open all four gates of the Jagannath temple. Later, the proposal was approved and today at 6:30 a.m., MLAs Puri MP Sambit Patra and CM Majhi attended the Mangala Arati in the temple. The CM also highlighted plans for the temple's development. They have proposed for a fund in the cabinet for the Jagannath temple. In the next state budget, the government will allocate rupees 500 crores for temple management, stated Majhi. This news is a delight for devotees of Lord Jagannath. The decision to open all four gates of the temple was made in the first cabinet meeting of Odisha's new BJP government Wednesday. As promised, from today onwards, all four gates of the Shri Mandir will be opened for devotees. The announcement to open the gates during the Mangala Aarti ritual was made by CM Majhi yesterday. True to his word, CM Majhi and his ministers travelled to Puri to participate in the Dwarapheta rituals. This move is expected to enhance the spiritual experience for devotees and boost the overall development of the temple. Stay tuned to Orissa Post Live for more such updates. आजि आनंद नुह परमानंद ब्रह्मानंद प्राप्त होउजी सम्मानक समस्त भक्त मानक काहेकि ना जगन्नाथ महाप्रभु आम मानकर समस्त मनस्कामना बा अभिलाषा आकांक्षा पूर्ण करिसंती आज्ञा सब गोटाड़े महाप्रभु जगन्नाथ गोटाड़े काहेकि करी कराउ खाई मुही मुबिनु अन्य गति आज ए मुहिम मु आज संसार को छंदी आज भक्त मत आज छंदी भक्त आज प्रेम मत बांधि ता कथा रखा को मु बाध्यई तेणु से महाप्रभु जगन्नाथ आम मानक समस्त भक्त मानक मनमांचा पूर्ण कर समस्ते आम आज अत्यंत आनंद जहाँफल कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारि द्वार आम मैंने समस्त महाप्रभु खोली छपर फाड़ी आम प्रार्थना करूँ जो जो निर्वाचन इस्ताहार रे आम लोक कथा देखल जो आमको से मैंने सत्तार को आनी से सब कार्य करमको आशीर्वाद जगन्नाथ आशीर्वाद रे 4.5 कोटी ओडिया समर्थन रे लोक सरकार गठन हो सरकार लोकंर भावावेग को सम्मान जनाए श्रीमंदिर चारिद्वार खोलवापी वरिष्ठ नागरिक परिषद ठार आरंभ करी समाज तमाम अनुष्ठान बारंबार पिटिशन देखते बारंबार दायरा कर लोकों हृदय आसुला प्रभु भितर प्रभु जगन्नाथ हेल्ले भक्तों भगवान से भगवान और भक्तों भितर जो अंतराय सृष्टि कर दूरता को बढ़े दि जाऊला ताकि समाप्त आज कर मंत्रिमंडल बसला प्रथम दुईट बड़ निष्पत्ति श्रीमंदिर प्रभु जगन्नाथ को आधार करवल श्रीमंदिर प्रभु जगन्नाथ को आधार करी करा जाए 4.5 कोटी ओडियांकर भावावेग को प्राणकेंद्र को आधारित करी करा जाए तेणु आज मंत्रिमंडल समस्त सदस्य एवं माननीय मुख्यमंत्री सी आसी उपस्थित रही मंगल आरती अव्याहत पूर्व श्रीमंदिर चारिद्वार खोलार व्यवस्था कर प्रधानमंत्री 6:15 छाड़ला 6:45 प्रथम कैबिनेट बैठक है प्रथम कैबिनेट बैठक प्रथम निष्पत्ति
महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर चारिटी द्वार जोटा कोविड समय बंद था एवं खोलिया कौन सी प्रयास अतीतर गवर्नमेंट करूँ ना आम गत काल राति कैबिनेट मीटिंग निष्पत्ति कलु चारिद्वार खोल चारिद्वार सुबंदोबस्त हे भक्त एवं भगवान मध्य कौन सी द्वार प्राचीर भाया रही भक्त एवं भगवान मिलन हे आज से क्रम आसी से कार्य संपूर्ण हो जाए महाप्रभु जगन्नाथ दर्शन मिलगला एवं यहाँ प्रार्थना महाप्रभु जगन्नाथ को प्रभु ओडिशावासी रक्षा करतवासी रक्षा कर भगवान जगन्नाथ के चरणों में आकर के क्योंकि मैं उस भूमि से आता हूँ जहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से गीता का संदेश दिया। आज उड़ीसा में नई सरकार का गठन हुआ है, हमारे मांझी साहब जी ने आज शपथ लिया है। मैं उनकी पूरी कैबिनेट को और उड़ीसा के सभी जन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन्होंने ये संकल्प लिया है कि इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है उस संकल्प के साथ उड़ीसा के लोग भी कदम ताल मिला करके चलेंगे। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पहले तो मैं 20-22 साल के बाद मैं ये दर्शन करने आया हूं जगन्नाथ जी को और बहुत ही अच्छा लग रहा है और मन में एक सुकून मिल रहा है। और ख़ास करके अभी आज जो हम लोग का यहाँ मंत्रिसभा का जो शपथ अनुष्ठान हुआ है यहाँ पर हम आए हैं त्रिपुरावासी की तरफ से। मैं चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा का डॉक्टर मानिक शाह, तो मैं आया हूँ यहाँ पर और वोट टिकिंग के बाद ही मैं ठान लिया है कि यहाँ आना है और यहाँ पर माथा टेकना है, जगन्नाथ जी के यहाँ माथा टेकना है। और ख़ास करके उड़ीसा वासियों को मैं ये कहूँगा, ये जो नया हमारा मुख्यमंत्री बने और हमारा ये मोहन माझी जी, तो मैं समझता हूँ एक नया दिशा आने वाले दिन सब अच्छा होगा और डेवलपमेंट जरूर होगा। प्रधानमंत्री जी भी बहुत मानते हैं और उस हिसाब से मेरे ख्याल से यहाँ पर डेवलपमेंट जरूर होगा। और मैं त्रिपुरावासी के तरफ से मुख्यमंत्री होने का कारण मैं त्रिपुरावासी के तरफ से पूरा जो उड़ीसावासी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और मैं अभी जगन्नाथ जी को यही प्रार्थना किए सबको सुख शांति रखे, और देखिए सुख शांति अगर नहीं रहेगा तो कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। देखिए सारे बीजेपी सरकार है, एनडीए सरकार है, वहाँ पे वो जगन्नाथ का आशीर्वाद होगा, सब कुछ हो जाएगा। मैं तो आज देखिए ये तो आज शुरुआत है। रत्न भंडार का बारे में सब कुछ जानना उड़ीसा का जनता का अधिकार है। रत्न भंडार में क्या है, क्या हुआ था, कैसे डुप्लीकेट सभी आए थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब कुछ उड़ीसा का जनता को जानना चाहिए। इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ का सबसे बड़ा सेवाइत उड़ीसा का जनता ही है। तो उड़ीसा का जनता को अंधेरे में आप रख नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैं विश्वास करता हूँ हमारा मुख्यमंत्री जी रत्न भंडार का बारे में सब कुछ आप लोगों को बताएगा, कोई कुछ भी बात छुपाएगा नहीं। ये हम चुनाव में भी बोला था और आज भी हम यही बात बोलूंगा।